और कैसे हो गेमिंग लैपटॉप के चाहने वाले, आज हमारे पास खतरनाक पावरफुल प्रीमियम बजट गेमिंग लैपटॉप प्रस्तुत है ASUS CUTUP F15। और भाई साहब, ये लैपटॉप में जो ग्राफिक्स मिलने वाला है ना, वो फुल फ्लेजेड दैट मींस पूर्ण विकसित RTX 2050 ग्राफिक्स है। तो बस देखेंगे ASUS CUTUP F15 कितना है शक्तिमान। और यही प्राइस रेंज में दो तीन लैपटॉप अवेलेबल है, लाइक Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victor सीरीज। सो बेंचमार्क वाले पार्ट में देख लेंगे तीनों ही लैपटॉप का CPU एंड GPU परफॉर्मेंस। तो खोल लेते हैं लैपटॉप का डब्बा। ऑलराइट गाइस, ये है ASUS CUTUP F15 गेमिंग लैपटॉप। ग्रेफाइट ब्लैक कलर में आता है, ASUS का सबसे प्यारा कलर है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देख लेते हैं लैपटॉप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सो ये लैपटॉप इंटेल i5 11th Gen 11400H प्रोसेसर के साथ आता है। यहाँ पर टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड। और 11 जेन देख के बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना यार, काफी पावरफुल प्रोसेसर है। बेंचमार्क वाले पार्ट में ये प्रोसेसर को जितने भी अवेलेबल प्रोसेसर है सभी से कंपेयर कर देंगे। और भाई ये 11 जेन है तो यहाँ पर कोई पी कोर इक्वल नहीं रहता, 6 कोर पावरफुल है। बाकी ये लैपटॉप में 8GB DDR4 सिंगल चैनल 3200 MHz का रैम दिया गया है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 32GB। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, 512GB का Gen 3 SSD है। मजे की बात, यहाँ पर SSD के भी एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलते हैं। सो इन फ्यूचर आप मैक्सिमम 2TB तक SSD ये लैपटॉप में लगा पाएंगे, 1TB पर स्लॉट। बाकी SSD का रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, दैट इज डिसेंट एज पर Gen 3 SSD। और हाँ यार, ये लैपटॉप में चार चांद लगाने वाला चीज, NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स विद 4GB ऑफ VRAM एंड 70W TGP। बट यहाँ पर ना एक कैच है, ये 70W TGP तो भले ही है, लेकिन इसका एक्चुअल TGP 55W ही है। और जो 70W आपको मिलता है ना, वो आपको डायनेमिक बूस्ट में मिलता है। और हाँ, ये लैपटॉप में कोई भी मग स्विच प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बजट लैपटॉप है भाई, और क्या ही दे डालेंगे ASUS वाले। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। बाकी ये लैपटॉप का दो वेरियंट आता है, एक में MS ऑफिस रहता है, एक में MS ऑफिस नहीं रहता। मेरे पास जो वेरियंट है इसमें MS ऑफिस नहीं है, बाकी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके MS ऑफिस वाला भी वेरियंट परचेज कर पाएंगे। सो इट्स टाइम फॉर शक्ति प्रदर्शन, यानी कि बेंचमार्क्स ऑफ दिस ASUS CUTUP F15 गेमिंग। सो Cinebench i23 में सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 1450 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9835। और भाई साहब, आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। अगर मैं Ryzen 5 7535HS एंड 6600S से कंपेयर करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार, आप ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मानो इंटेल के i5 11 जेन का। भाई साहब, जो डिफरेंस आता है Ryzen और इंटेल में, वो है फैब्रिकेशन। Ryzen का प्रोसेसर रिसेंटली बिल्डअप हुआ है, दैट्स वाई 6 नैनोमीटर का लिथोग्राफी देखने को मिलता है। वही इंटेल के प्रोसेसर में आपको 10 नैनोमीटर का लिथोग्राफी देखने को मिलेगा। और Geekbench 5 में 2055 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 6297। वही ओपन सेल स्कोर आपके सामने है। एंड 3D Mark 10 का भी स्कोर काफी अमेजिंग रहा, दैट इज 4143। एंड PC Mark 10 में 5254 का स्कोर देखने को मिला, दैट्स अमेजिंग। सो इस पर द बेंचमार्क i5 11 जेन एंड RTX 2050 का कॉम्बिनेशन काफी अमेजिंग है। और प्रोसेसर बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है, आपने बेंचमार्क खुद ही देखा कितना ज्यादा पावरफुल है। और भाई, यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, फुल HD एकदम बटर स्मूथ एडिटिंग कर पाएंगे ऑन दिस ASUS CUTUP F15। सो जिनको कुछ फ्रीलांसिंग काम वगैरह करना है, नया स्किल सीखना है, उनके लिए ये परफेक्ट लैपटॉप है, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एंड आराम से यहाँ पर आप 4K 8-bit का भी 2-3 layer वाला एडिटिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन, टाइटल, कलर ग्रेडिंग वगैरह करके देखा, सभी एकदम बटर स्मूथ वर्क कर रहा था। हाँ, 4K के वीडियो थोड़ा रेंडर होने में टाइम लगते हैं एज कम्पेयरिंग विद फुल HD वीडियो। बाकी फोटो सब एकदम बटर स्मूथ, कैमरा और फिल्टर में मैंने कुछ कलर करेक्शन करके देखा, देन टाइपोग्राफी वगैरह भी डाला, काफ़ी अमेजिंग चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो डेफिनेटली यार, ये लैपटॉप में आप सभी लेवल का काम कर पाएंगे, फ्रॉम द वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क, या इवन जो कोडिंग करना चाहते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इवन आप ऑटो कैड, क्रियो जैसे सॉफ्टवेयर इजिली ये लैपटॉप में चला पाएंगे। बाकी जिनको 3D मॉडलिंग करना है ना, उनके लिए मैंने ब्लेंडर भी चला के देखा, एकदम बटर स्मूथ चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। तो हाँ, आप इंटरमीडिएट लेवल का 3D मॉडलिंग ये लैपटॉप में कर पाएंगे ड्यू टू द पावरफुल RTX 2050 ग्राफिक्स। अब भाई, ये लैपटॉप के नाम में ही गेमिंग लिखा है, तो कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी, दैट मींस द हाईएस्ट सेटिंग अवेलेबल इन द लैपटॉप। एंड DLSS मैंने टर्न ऑफ कर दिया था। आराम से यहाँ पर 50+ FPS देखने को मिल रहा था इन RDR2। और भाई साहब, RDR काफी ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पर 98% 99% तक GPU यूज हो रहा था एंड मैक्सिमम 50W 52W तक पावर ड्रॉ कर
रहा था। वही सीपीयू का TDP 30W to 40W फ्लक्चुएट हो रहा था। बाकी आप टेम्परेचर देखो भाई साहब, मैक्स 80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। दैट मीन्स थर्मल काफी अच्छा मेंटेन था इन ASUS टब गेमिंग सीरीज। देन सेम गेम मैंने DLSS ऑन करके प्ले किया, बाकी सभी सेटिंग्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। यहाँ पर 80 FPS देखने को मिल रहा था बाय टर्निंग ऑन द DLSS। यही फायदा है यार RTX सीरीज के ग्राफिक्स का। एंड अगर आप CPU यूजर्स पे नजर डालो तो 98% तक अभी भी यूज हो रहे थे, लेकिन पावर ड्रॉ थोड़ा कम हो गया था क्योंकि हमने DLSS ऑन कर दिया था। बाकी टेम्परेचर अभी भी 80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड CPU परसेंटेज यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा था बिटवीन द 60% to 75%। एंड रैम यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छा था इन RDR2। सो ओवरऑल आप रेड डेड रिडेम्पशन भी एकदम बटर स्मूथ प्ले कर पाएंगे इन ASUS टब गेमिंग लैपटॉप। देन नेक्स्ट जब मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। CS2 में भी आराम से 100+ FPS देखने को मिल रहा था। यहाँ पर CPU यूजर्स भी काफी खतरनाक हो रहा था 97-98% तक, बट पावर वॉटेज कम था यार, ओनली 45W तक ही मैक्स जा रहा था। एंड यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन था, 75-77 से ज़्यादा नहीं जा रहा था। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला इन CS2। एंड 8GB रैम होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने जस्ट इनसेन थिंग। एंड ये ASUS टब गेमिंग F15 के थर्मल्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। बाकी आप CS2 का एकदम सुपर स्मूथ लुक उठा पाएंगे इन दिस लैपटॉप। देन दोस्तों नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। एंड आराम से यहाँ पर भी 130+ FPS देखने को मिल रहा था। एंड MSI ऑप्टर बर्नर रन नहीं हो रहा था यार, क्योंकि जैसे ही मैं MSI ऑप्टर बर्नर स्टार्ट कर रहा था वैलोरेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा था। सो आप क्लाइंट FPS देख पाएंगे, यहाँ पर भी अच्छा FPS देखने को मिल रहा था। एंड कोई भी थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला इवन इन द फुल HD रिजोल्यूशन। सो वैलोरेंट काफी सुपर स्मूथ चल रहा था इन ASUS टब गेमिंग F15 लैपटॉप। एंड आराम से आप RTX 2050 ग्राफिक्स में भी कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड वैलोरेंट बेसिकली CPU इंटेंसिव गेम है। एंड आप सभी जानते हैं इंटेल का i5-11400H कितना ज्यादा पावरफुल है यार, आपने बेंचमार्क वाले पार्ट में खुद ही देखा। सो बिल्कुल भी अंडररेट ना करने का और फुल लुत्फ उठा के गेम खेलने का। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया फायर क्राई 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग, क्योंकि अल्ट्रा काफी ज्यादा हो जाता है 8GB रैम के हिसाब से। एंड आराम से यहाँ पर 50+ FPS देखने को मिल रहा था इन मीडियम सेटिंग। एंड TGP देखो 44W 45W के बीच फ्लक्चुएट हो रहा था। एंड टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन था, दैट्स ग्रेट थिंग हियर, 78-79 से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड भाई 8GB रैम होने के बावजूद इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, सोचो आप 16GB रैम में अपग्रेड करेंगे तो एकदम बटर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन फायर क्राई 6। एंड डेफिनेटली आपको 10-15 FPS ज्यादा ही देखने मिलेगा बाय अपग्रेडिंग द रैम। और मैं खाली आर्मी वाले को ही यहाँ पर निशाना लगा रहा था और तो कुछ आता नहीं है भाई इन फार क्राई 6। देन दोस्तों मैंने प्ले किया माय फेवरेट गेम GTA 5 इन वेरी हाई सेटिंग एंड फुल HD रिजोल्यूशन। और भाई आराम से 90+ FPS देखने मिल रहे थे इन GTA 5। और GTA प्ले करने का अलग ही मजा है यार। एंड यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहा था, मैक्स 80 डिग्री ही टच कर रहा था। एंड GPU का पावर वॉटेज अराउंड 44-45W ही था। एंड GTA ऐसा गेम है जो CPU भी यूज करता है अलॉन्ग विद द GPU, तो यहाँ पर CPU का TDP 36-38W के अराउंड जा रहा था। रैम यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छा था एंड कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिला इन GTA 5। तो आराम से यार 144Hz का रिफ्रेश रेट है, आप फुल लुत्फ उठा पाएंगे अप टू 144 FPS इन ऑल द गेम्स। सो हाँ दोस्तों, ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड क्या है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपिला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC एंड सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम अमेजिंग प्राइस में देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट देम। सो बहुत हुई तकनीकी बातचीत, अब देख लेते हैं यार ये लैपटॉप का थोड़ा खूबसूरती सुंदरता। सो भाई कुछ ऐसा दिख जाता है हमारा ASUS का टब गेमिंग F15। इन सेंटर आपको टब का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और वह यहाँ पर कटाफटा डिजाइन है। और यहाँ पर सुनो यार, एक अलग ही टेक्सचर्ड फिनिश दिया गया है, सुनने में ही मजा आता है यार। एंड यहाँ पर भी आपको टेक्सचर्ड फिनिश देखने को मिलता है। बाकी भाई यहाँ पर भी लिखा गया है टब गेमिंग, मतलब ब्रांडिंग की कोई कमी नहीं भाई साहब। और दोस्तों सबसे अति उत्तम थिंग, ये लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, दैट मीन्स बिल्ड क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज। बाकी ASUS का टब गेमिंग F15 आपको प्योरली पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। एंड टॉप लिड में थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो है ही यार, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स इज जस्ट नेग्लिजिबल। बाकी जो RTX 2050 के साथ टफ आता है ना, इसमें ओल्ड टफ सीरीज का डिजाइन दिया गया है। रिसेंटली मैंने i5 12 जन के साथ भी किया था, वहां पर एकदम नया टफ डिजाइन दिया गया था विद द मिनिमल लुक, इतना सारा वर्क वगैरह नहीं था। बाकी यहाँ पर अलग से कटआउट दिया गया है, 3-4 बत्तियां जलती रहती है जो डिफरेंट चीज इंडिकेट करता है।
बाकी लैपटॉप 2.1 किलोग्राम के साथ आता है, बट वन डिसअपॉइंटमेंट इज दैट ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता, दैट मींस वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट ग्रेट। बाकी हिंज क्वालिटी जस्ट डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट। आइडिया पैड सीरीज के हिंज क्वालिटी मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, एंड कुछ इतना आपका लैपटॉप टिल्ट हो जाएगा अराउंड 145 डिग्री के आसपास। बट हाँ, थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलता है इन ASUS TUF Gaming F15। बाकी पीछे देखो भाई साहब, छेद ही छेद। बैक पैनल भी प्योरली पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पर एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा लेने के लिए, और भाई एग्जॉस्ट वेंट भी कोई कमी नहीं है। राइट प्रोफाइल में एक वेंट दिया गया है अलोंग विद द बैक प्रोफाइल। बाकी रबर ग्रिप का क्वालिटी काफी सही है भाई साहब। और हाँ, यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है अलोंग विद द टू और के टू बॉटम फायरिंग स्पीकर विद द DTS ऑडियो प्रोसेसिंग। लिटरली भाई स्पीकर की क्वालिटी काफी शानदार है। सो दिस इज द नया डिजाइन ऑफ ASUS TUF Gaming F15। थिन बेजल्स दिए गए हैं, ASUS के इन सेंटर ब्रांडिंग है, और सीधा 144 हर्ट्ज का ही स्टिकर लगा दिया गया है, फुल गेमिंग वाली बातचीत। और हाँ, यहाँ पर भी रबल ग्रिप दिया गया है सो दैट आपके डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस या डेंट्स ना आए। पाम रेस्ट एरिया आप देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा बल्की डिजाइन है, नॉट वेरी मिनिमल एज कम्पेयरिंग विद लेटेस्ट ASUS TUF सीरीज। एंड यहाँ से भी टफ गेमिंग वाला इनग्रेविंग हमको दिख जाता है। बाकी i5 का स्टीकर दिया गया है विद द ASUS TUF Gaming F15 के कुछ गुणगान करते स्टीकर्स। और दोस्तों यहाँ पर भी फुल डिजाइन बाजी किया गया ताकि बिल्कुल गेमिंग वाला वाइब आए इन ASUS TUF F15 लैपटॉप। बट एक शानदार चीज यार, यहाँ पर वन जोन सतरंगी कीबोर्ड दिया गया है, दैट मीन्स RGB कीबोर्ड। दैट्स ग्रेट थिंग कि ये बजट में भी हमको RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है। फुल साइज कीबोर्ड है, नमपैड भी प्रेजेंट है। खासकर टब सीरीज के जो कीबोर्ड रहता है ना, उसके की ट्रेवल्स काफी ज्यादा अच्छा रहते हैं। ओवरऑल जो टेक्टाइल फीडबैक रहता है वो काफी अमेजिंग रहता है एज कम्पेयरिंग विद एनी अदर गेमिंग सीरीज। और भाई साहब ASWD की को व्हाइट कलर में दिया गया है ताकि गेमिंग के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। और भाई यहाँ पर कुछ शॉर्टकट भी आप फंक्शन प्लस एरो की बटन यूज करके ब्राइटनेस अप ब्राइटनेस डाउन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप राइट एरो की यूज करके डिफरेंट इफेक्ट में स्विच कर पाएंगे, लाइक कलर साइकिल, स्टैटिक, ब्रेथिंग, स्ट्रोबलिंग। और भाई यहाँ पर आप फंक्शन प्लस F5 बटन प्रेस करके डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक साइलेंट, परफॉर्मेंस एंड टर्बो। बट ट्रैकपैड देखो यार, पुराने जमाने का याद दिला दिया, ये फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड नहीं है। यहाँ पर डेडिकेटेड लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक दिया गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। डेफिनेटली आप विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर यूज कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, बजट में कोई ब्रांड एक पावरफुल लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करता ही है। बाकी गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहता, एंड आपको टॉप राइट कॉर्नर में पावर बटन देखने को मिलेगा। सो देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। लेफ्ट प्रोफाइल में फर्स्ट नंबर में आपको DC देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक RJ45 पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, मैक्सिमम आप 4K 60Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है 5G PS डेटा ट्रांसफर रेट के साथ। और भाई साहब, एक थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट, दैट इज ट्रूली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि 50,000 के लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलना है जस्ट अमेजिंग। 40 GBPS का डेटा ट्रांसफर रहता है, एंड यहाँ से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी विद 100W टाइप सी अडाप्टर। सो थंडरबोल्ट 4 इज ट्रूली अमेजिंग वन पोर्ट फॉर ऑल योर यूजेस। एंड एक 3.5 mm का ऑडियो जैक। राइट प्रोफाइल में केंजिंगटन स्लॉट दिया गया है अलॉन्ग विद द 1 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट 5G PS डेटा ट्रांसफर रेट के साथ। लुकिंग ऑन द डिस्प्ले, यहाँ पर 15.6 inch फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमट, विच इज अराउंड 62.5% sRGB। सो नोट दैट यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले नहीं है। और हाँ यार, ये बजट में मिलता भी नहीं है इन ऑल द गेमिंग लैपटॉप। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी जस्ट ग्रेट, क्योंकि IPS पैनल है, कलर्स काफी अच्छे रहते हैं। और भाई यहाँ पर ट्रूली IPS पैनल दिया गया है, नॉट द IPS लेवल पैनल। और हाँ दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप है तो सीधा 144 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है विद द अडैप्टिव सिंक, दैट मींस प्रिसाइजली हेडशॉट मारो। और हाँ, यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द 2-way AI नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। और हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपको क्वालिटी देखने मिल जाएगा फ्रॉम द ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप वेबकैम। बट दोस्तों, ये लैपटॉप का बैटरी क्या ही बोलूं यार, ओनली 48 Wh का ही बैटरी दिया गया है। एंड भाई साहब, आप बैटरी बैकअप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो भाई, ओनली 2 घंटे तक ही बैटरी बैकअप दे पाएगा ASUS का TUF Gaming F15, क्योंकि इतना जो सतरंगी RGB बैकलाइट कीबोर्ड जल रहा है ना, वो पावर तो कंज्यूम करेगा ही। और भाई काफ़ी पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है तो एटलीस्ट इसको 90W का बैटरी बैकअप चाहिए फॉर 5 hours ऑफ बैटरी बैकअप। सो इसी का एक और वेरियंट आता है विद RTX 3050 ग्राफिक्स, वहाँ पर आप 5 hours का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बाकी विंडोज लैपटॉप का सीन तो आप जानते हैं, जब तक हम लैपटॉप को पावर में यूज़ नहीं करते, हमको बिल्कुल भी फुल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता।
और जिनको गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, वो पावर में ही लगा के लैपटॉप को यूज़ करेंगे। सो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं। और अगर आप GPU ऑप्टिमाइज मोड में भी रखोगे ना, तब भी आपको ज़्यादा बैटरी वगैरह नहीं मिलेगा। मैं जस्ट एक फाइल कॉपी कर रहा था यार, और इतना फास्ट बैटरी ड्रेन हुआ आप खुद ही देख पाएंगे। बाकी यहाँ आइडियापैड गेमिंग सीरीज और HP विक्टस में मेरे को अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला एज कम्पेयरिंग विद ASUS TUF F15 गेमिंग सीरीज। और हाँ, 150 वॉट का AC अडाप्टर दिया गया है, सो आप अपने लैपटॉप को आराम से 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर पाएंगे। और टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्टेबल है अगर आप 100 वॉट का टाइप सी चार्जर यूज करो। एंड टॉक अबाउट द थर्मल, यहाँ पर डुअल 83 ब्लेड फैंस दिए गए हैं। एंड टब सीरीज का थर्मल आप सभी जानते हैं, काफी अच्छा रहता है। एंड असच मेरे को कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। एंड टेम्परेचर भी 80-82 से ज्यादा नहीं जा रहा था। वही विक्टर सीरीज रिव्यू किया था, वहां पर भैया 90 वॉट तक भी टेम्परेचर चला जा रहा था। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ थर्मल ASUS टब सीरीज इज जस्ट अमेजिंग। और हाँ, यहाँ पर आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। यहाँ से आप ये लैपटॉप का वेरियस स्टेट्स देख पाएंगे, फ्रॉम द CPU फ्रीक्वेंसी टू GPU फ्रीक्वेंसी, मेमोरी, स्टोरेज, फैन स्पीड और भी बहुत कुछ। और यहाँ पर आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाके आप GPU मोड स्विच कर पाएंगे बिटवीन द ऑप्टिमाइज्ड स्टैंडर्ड, बट मेक श्योर दैट आप स्टैंडर्ड में रखिएगा फॉर द बेटर वर्क फ्लो। और सिस्टम को खुद ही असाइन करने दीजिए कौन सा ग्राफिक्स यूज करेगा एज पर द लोड। सो यार, दिस इज ऑल अबाउट द ASUS TUF गेमिंग F15 एंड लिटरली यार ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अंडर द प्राइस ऑफ 50,000, क्योंकि यहाँ पर RTX 2050 ग्राफिक्स दिया गया जो फुली पैक्ड है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिया गया है, 2-2 SSD के स्लॉट है, 32 GB तक रैम लगा पाएंगे, एंड 1 जोन एकदम अच्छा क्वालिटी वाला RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। और क्या चाहिए भाई 50,000 के बजट में। बाकी एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 with Ryzen 5 5500H and RTX 2050 graphics। सो आप IdeaPad Gaming 3 RTX 2050 वाला डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको 45,000 के अराउंड अवेलेबल हो जाए। बाकी लैपटॉप में कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है, ट्रैक पैड पुराने जमाने वाला दिया गया है, बाकी ऑल अदर थिंग्स आर जस्ट ग्रेट, डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट। सो आई होप गाइस आपको ASUS TUF गेमिंग F15 का डिटेल रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड जो भी आपके सवाल है, डाउट्स है, सब कमेंट सेक्शन में लिख पढ़ो यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।